तीसरे टी20 में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह का आया तूफान, बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी धज्जियां। जी हां दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 का मुकाबला काफी खतरनाक विस्फोटक मुकाबला खेला गया। तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। तो वहीं यशस्वी जायसवाल और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का भी तूफान देखने को मिला। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने इतनी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने तीसरे टी20 मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा कर रख दी। पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 का मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, सांक रोक देने वाला काफी घातक विस्फोटक रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की रूह कांप उठी। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए वो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कर दिखाया। सूर्या रिंकू ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। तीसरे टी20 मुकाबले का सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे और भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर खदेड़ फेंकेंगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के होश उड़ गए। मैदान पर भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश की टीम के कप्तान ने जीत ली और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से दो ओपनर खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर, एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से दो गगनचुंबी चौके और दो गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर सुमन गिल ने दो चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से आप सभी को बता दें 14 रन फिर ठोक दिए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक चौका ठोक दिया। तीसरे ओवर की यहां पर दूसरी बॉल पर दौड़कर दो रन ले लिए, जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर छक्का ठोक दिया और पांचवी बॉल पर एक रन लिया, जहां पर स्ट्राइक सुमन गिल को दे दी और सुमन गिल ने पांचवी और छठी दो बॉलों पर लगातार दो गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी मिलकर के कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के दोनों ओपनर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का सुमन गिल ने ठोक दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन ले लिए, जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखे और सुमन गिल ने चौथे ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। वहीं चौथे ओवर की पांचवी बॉल पर चौका फिर ठोक दिया और छठी बॉल पर दौड़कर एक रन ले लिया, जहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल ने चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 28 रन ठोक दिए। सुमन गिल काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं भारतीय टीम को पांचवी ओवर की दूसरी बॉल पर काफी बड़ा झटका लगा जब सुमन गिल एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। दोस्तों जैसे ही सुमन गिल आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा आए। जी हां, भारतीय टीम का तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जिसने आईपीएल 2000
2024 में महज 17 गेंदों के भीतर 134 रन ठोक दिए थे। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए दोस्तों 5वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, तो मैं 6वें ओवर की पहली बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर दोस्तों एसएसवी जसवाल जब 52 रन ठोक करके आउट हुए तो मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने मिलकर के तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 7वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दी और अभिषेक शर्मा ने 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर 4 रन फिर ठोक दिए, तो मैं 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया और 7वें ओवर की 6ठी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए जब भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखी। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें 8वें ओवर की पहली बॉल पर एसएसवी जसवाल शुमन गिल के आउट होने के बाद अब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए। ऋतुराज गायकवाड़ जैसे 32 रन ठोक करके आउट हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा भी 48 यानी 48 रन ठोक करके आउट हुए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। 8वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ठोक दिए। ऋषभ पंत ने 2 कवर ड्राइव की ओर छक्के ठोके और एक आसमानी फ्रंट पर सामने की ओर छक्का ठोक दिया। हार्दिक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत के बल्ले ने मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऋषभ पंत की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को जब काफी बड़ा झटका लगा जब 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर ऋषभ पंत आउट हुए, लेकिन ऋषभ पंत ने यहां पर बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 4 गेंदों पर 38 रन ठोक दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहरा मचा दिया। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। सूर्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो T20 का बादशाह कहा जाता है। सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले को लहराते हुए 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के ठोक दिए। एक ही ओवर के भीतर यहां पर 36 रन बना दिए। सूर्य कुमार यादव काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धोने लगे। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और महज 28 रन ठोक करके 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही हार्दिक पांड्या आउट हुए वैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आए, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अब टीम इंडिया की जिम्मेदारी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर थी, क्योंकि यशस्वी जसवाल, शुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे 6 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हो गए यहां पर 10-11वें ओवर तक, तो भारतीय टीम पूरी की पूरी टूट सी चुकी थी। अब एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी और तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश का घमंड चकनाचूर कर दिया। रिंकू सिंह ने यहां पर 11वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। 12वें ओवर की पहली बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका सूर्य ने ठोक दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए।
जहां पर 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का साइड की ओर ठोक दिया, जो छक्का 113 मीटर था और बाउंड्री लाइन के पार जाकर गिरा, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पर खच्चे उड़ा दिए। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने गुस्से में आकर के दोस्तों 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। तो भाई रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। तो भाई 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके फिर सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को रोकने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन इन दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। इनकी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। रिंकू सिंह ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव के चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिया। 20वें ओवर तक जाते आते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा फुदक रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि तीसरा T20 का मुकाबला हम हर हाल में जीत लेंगे और सीरीज में जो है जीत तब्दील कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला मुकाबला भारतीय टीम जीती थी और दूसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम हारी थी और तीसरा T20 का मुकाबला दोनों में से जो भी टीम जीत जाती उसी की जीत सीरीज में निश्चित थी। आप सभी को बता दें बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के उतर पड़े। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज ने पहले एक ओवर में 2 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के आए आवेश खान जहाँ पर 3 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह जहां पर सिर्फ 4 रन दिए। चौथा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई जहां पर 11 रन दे दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 5वें ओवर की 4थी बॉल पर 16 रन तो दे दिए, लेकिन 4थी ओवर पर एक विकेट भी चटका दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी ने यहाँ पर 7वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर 14 रन दिए, फिर एक विकेट चटकाया। जो वही बार रवि बिश्नोई ने यहाँ पर 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। 9वें ओवर तक जाते आते बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक शेरों को भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने पूरी तरीके से चित कर दिया। लेकिन फिर बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आ चुके थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम को ऐसा लगा एक पल के लिए कि तीसरा T20 का मुकाबला हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो 2 बल्लेबाज छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे। एक बल्लेबाज यहाँ पर आप सभी को बता 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक चुका था। तो वहीं 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 गगनचुंबी छक्के ठोक चुका था। तो वहीं कुलदीप यादव के 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। तो वहीं हर्षदीप सिंह के 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के 2 खतरनाक कुकार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया। मोहम्मद सिराज ने 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया। हार्दिक पांड्या ने यहां पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया। तो वहीं 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके फिर एक बल्लेबाज ने ठोक दिए। अब जीत के लिए मैच आप सभी को बता दें ज्यादा नहीं 48 रनों की जरूरत थी और बांग्लादेश की टीम धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रही थी। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज यॉर्कर के बादशाह जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा देर तक बांग्लादेश की टीम को टिकने नहीं दिया और 19वें ओवर तक जाते आते बांग्लादेश की टीम का घमंड चकनाचूर कर दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धज्जिया उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारी भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने तीसरा T20 का मुकाबला जीत लिया। और चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।